इस कहानी की शुरुआत एक फैमिली से होती है। ये कहानी एडवेंचरस है और काफ़ी मिस्टीरियस है। कहानी शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो आर्कियोलॉजी को लेके बहुत जिज्ञासु होता है। उसके मॉम डैड एक व्यापारी होते हैं जो एक बीच पे काम करते हैं। उस बीच पे वो बोट चलाते हैं और फूड सप्लाई बेचते हैं। लड़के को एक अपने घर में एक बेसमेंट मिलता है जिसके अंदर उसके दादाजी के पुराने नोट्स रखे हुए थे। उन नोट्स में एक आइलैंड का जिक्र था जिसमें नोट्स में लिखा था एक ऐसे आइलैंड के बारे में जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है, जो बस कुछ सालों में एक बार ही दिखाई देता है। उस आइलैंड पे जाने का रास्ता उस बुक में लिखा था। उस बुक को पढ़कर लड़का बहुत शॉक हो जाता है और वो बुक अपने डैड से दिखलाता है। उसके डैड वो बुक देखकर कहते हैं ये बुक दादाजी ने बस मिथ के लिए लिखी है, एक कहानी के लिए। लेकिन लड़के को पूरा भरोसा होता है कि उसके दादाजी ऐसा सच में है इसलिए लिखेंगे। उस जो कहानी उसके दादाजी ने लिखी थी उसके ऊपर काफ़ी बुक्स भी लिखी जा चुकी है, इसलिए उसके डैड को उस पर भरोसा नहीं होता है। लड़का खुद ही उसकी जांच करने के लिए वो बुक के पजल सॉल्व करने लगता है। उसके डैड पहले नेवी में रह चुके थे, इसलिए बाद में जब वो उस पजल को देखते हैं तो वो भी अपने लड़के के साथ उसे सॉल्व करने में लग जाते हैं। बाद में जब पता चलता है कि ये असली कहानी है तो दोनों उस आइलैंड की तलाश में निकल जाते हैं। दोनों एक हेलीकॉप्टर बुक करते हैं और उस आइलैंड की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिनमें बहुत सारी परेशानियां होती है। रास्ते में कोई ज़मीन नहीं थी, उन्हें समुंदर में सफ़र करना था। समुंदर में काफ़ी तेज़ लहरें उठ रही होती हैं, मछलियां उड़ रही होती हैं। धीरे धीरे चलकर आगे जब वो बढ़ते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान दिखाई देता है जिन्हें देखकर वो सब डर जाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि वो तूफान एक बाउंडर होता है जिसमें उनका जहाज़ जो उनका हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो जाता है। उस बाउंडर में फंस के वो दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं एक टाइम लैप्स की तरह, एक होल की तरह। ये काफ़ी मिस्टीरियस होता है। जब वो उनकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक सुनसान आइलैंड पे पाते हैं। उन्हें वहाँ पे अपना क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर दिखा देता है तो हेलीकॉप्टर का पायलट बोलता है कि अपना अपना सामान सब ले लो, जो भी सही सलामत है, खाने पीने की चीज़ें ले लो, हम इस आइलैंड पे सरवाइव करने वाले हैं।
आगे चल के हमें पता चलता है जहाँ पे उनकी आँख खुली होती है वो खंडहर टाइप का होता है। उन्हें देख के लगता नहीं है कि ये मिस्टीरियस आइलैंड है, लेकिन जब वो उस खंडहर से बाहर निकलते हैं उनके सामने बड़े बड़े पेड़, नदी, झरने, एक बहुत खूबसूरत दृश्य होता है जिसे देख के वो चौंक जाते हैं। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बहुत अजीब सी चीज़ दिखाई देती है, जैसे हमारी दुनिया में जो चीज़ें बड़ी होती हैं वो उस जगह पे छोटी होती हैं, और जो चीज़ें छोटी होती हैं हमारी दुनिया में वो उस जगह पे बड़ी होती हैं। ऐसे ही काफ़ी देर तक चलता रहता है। उसे देख के वो उस दृश्य में खो जाते हैं। जब धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। पत्थर, जब वो पत्थरों के ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है ये पत्थर नहीं, ये छिपकली के अंडे हैं। जब वो छिपकली के अंडों पे चढ़ रहे होते हैं तो उनके उस लड़के के डैड को पता चल जाता है कि ये छिपकली के अंडे हैं। वो सबसे कहते हैं कि सब धीरे चलो और इस अंडों पे से निकलो। सब डर जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं, इसलिए वो इधर उधर हड़बड़ी में एक जो मोटा आदमी होता है उसका पैर फिसल जाता है और वो अंडे में अंडा टूट जाता है और अंडे के अंदर गिर जाता है। अंडे के अंदर एक छिपकली का बच्चा होता है जो अभी पैदा होने वाला होता है। उसे देख के वो भी डर जाता है और अंडा तोड़ के बाहर निकल जाता है। बाद में जब उसकी आवाज़ से उसकी अंडों की जो रखवाली कर रही होती हैं छिपकली, वो आती हैं और सब डर के भागने लगते हैं। सब इधर से उधर भाग रहे होते हैं अनजान जगह पे, लेकिन तभी उनके ग्रैंडफादर की एंट्री होती है। वो सबको बचा लेते हैं और अपने शेल्टर में लेके जाते हैं। उसके दादा वहाँ 20 साल से रह रहे होते हैं उस आइलैंड पे और वहाँ की जांच कर रहे होते हैं। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि उसके दादा एक खोज करता थे जो खोज करते करते यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ से जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए थे। बाद में उन्हें पता चलता है कि यहाँ से जाना कैसे है। हमें पता चलता है पहले ये आइलैंड हमारे दुनिया में ही था। एक तरह से वो 6 महीने 1 साल पानी में रहता था, 1 साल पानी के ऊपर रहता था। धीरे धीरे 1 साल नहीं, 25 साल पानी में रहा करता था और 25 साल ज़मीन पर रहा करता था। वहाँ पर राजा भी रहा करते थे, बड़े बड़े महल भी थे उनके। राजा ने वहाँ से निकलने के लिए खुद की सबमरीन भी बनाई थी, जिनका पता उन्हें उनके एक उस आइलैंड की एक थ्योरी वाली बुक में पता चलता है। जिस थ्योरी के बुक को पढ़कर उन्हें पता चलता है कि सबमरीन का नक्शा वो जो राजा था उसकी कब्र में दफन है। वो सब उस राजा की कब्र में जाते हैं और वहाँ से उस सबमरीन का नक्शा लेकर आते हैं। सब रास्ते में जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक वॉल्केनो दिखा देता है जिसमें से सोना निकल रहा होता है, जिसे देखकर काफ़ी लोग हैरान हो जाते हैं और सोना लेके सबमरीन के साथ
उस आइलैंड से निकल जाते हैं। उस आइलैंड फिर वो आइलैंड पानी में खो जाता है। फिर उसके मॉम डैड अब खुशी से रहने लगते हैं। यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है।